नबा होम डेकोर, कंप्लीट इंटीरियर सॉल्यूशन। आप अपने घर को एक फ्रेश लुक देना चाहते हैं, वो भी बिना लाखों खर्च किए, तो आइए मुंब्रा के पहले होम डेकोर शॉप पर, जहां मिलेंगे हर इंटीरियर डिजाइन के लिए वॉलपेपर्स, 3D फोम स्टिकर्स, PVC पैनल सीलिंग, POP सीलिंग, WPC पैनल, PVC फ्लोरिंग, आर्टिफिशियल ग्रास, ग्लास फिल्म और विंडो कर्टन, वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। अपने घर को चमकाने के लिए एक बार जरूर आजमाएं नबा होम डेकोर। पता है B6 शिमला पार्क कौसा। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। दोस्ती कॉम्प्लेक्स में जली एक्टिवा, फायर फाइटिंग के पूरे इंतजाम नहीं। नौपाड़ा पुलिस ने किया 2 चोरों को गिरफ्तार, 18 मोबाइल फोन हुए बरामद। कर रहे थे चोरी की जांच, मिल गए हत्या के प्रयास के आरोपी, राबुड़ी पुलिस का कारनामा। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर की HR तेज खबरों में आपका स्वागत है। आज की हमारी पहली HR तेज खबर कौसा शील रोड से दोस्ती कॉम्प्लेक्स से है। दोस्ती कॉम्प्लेक्स में बीती रात अचानक एक एक्टिवा में आग लग गई और एक्टिवा जलकर लगभग राख हो गई है। मगर इस दौरान यहां पर स्थानीय लोगों ने, कॉम्प्लेक्स के रहवासियों ने फायर फाइटिंग के तहत पानी का जो सिस्टम था उसको शुरू करने की कोशिश की, मगर उसमें पानी ही नदारद था। वहीं एक्सटिंग्विशर से जो है इस आग को बुझाया गया, मगर इतना बड़ा दोस्ती का कॉम्प्लेक्स है ये और इतनी बड़ी आबादी है और फायर फाइटिंग के इंतजाम पूरे नहीं है, जो एक चिंता का विषय है। HR तेज खबरों में हमारी दूसरी खबर थाने के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन से है। नौपाड़ा पुलिस स्टेशन ने चोरी के 2 अलग अलग मामले उजागर करते हुए एक चोर से कई चोरियों के मामले जो है वो उजागर किए हैं। ये चोर जो है ये लोगों को बातों में उलझा करके उनके मोबाइल फोन चुरा लेता था। इस चोर को चिन्हित करते हुए CCTV फुटेज खंगालने के बाद उसको बिल्कुल उसकी निशानदेही करने के बाद उसको डोंबिवली से गिरफ्तार किया गया है। मुमरा के अमृतनगर स्थित शादी महल हॉल की गली में रहने वाला मोहम्मद कासिम मोहम्मद जलाल शेख, उम्र 41 वर्ष, ऐसा इसका नाम है। मुंबई के भी 2 अपराध इसके द्वारा उजागर किए गए हैं। वहीं दूसरे चोरी के ही मामले में थाने के मखमली तालाब परिसर में एक दुकान से शटर तोड़ करके 1,58,000 की चोरी करने वाले 36 वर्षीय संतोष सुनील कामले, जो कि थाने के क्रिक नाके का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है और चोरी की रकम में से कुछ रकम इसके पास से पुलिस ने बरामद की है। इस संबंध में नौपाड़ा पुलिस द्वारा जो पत्रकार परिषद ली गई और जानकारी दी गई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। नौपाड़ा पुलिस स्टेशन इथे बतावणुकीचे फसवणुकीचे म्हणजे आणि घरफोडीचे असे गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये अद्यापर्यंत 2 आरोपी अटक आहेत आणि 18 मोबाईल आणि 14,500 रुपयाची रोख रक्कम अशी जप्त करण्यात आलेली आहे। या आरोपींकडून अजून इंट्रोगेशन करून इतर त्यांचे सह आरोपी अटक करण्याचं काम चालू आहे, त्या दृष्टीने पोलिसांचा तपास चालू आहे। याच्यामध्ये जे गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत त्यामध्ये दादर पोलीस स्टेशन, शिवाजी पार्क पोलीस स्टेशन, मरीन ड्राइव्ह पोलीस स्टेशन आणि नौपाडा पोलीस स्टेशन येथील गुन्हे आहेत। हे यामध्ये आरोपी मोहम्मद कासिम मोहम्मद जलील शेख हा मुंब्र्याचा रहिवासी आहे, परंतु याने जे काही हा गुन्हा घडवण्यासाठी सिम कार्ड वापरलेले आहे त्याचे सर्व ॲड्रेस मुंबईचा आहे आणि याला डोंबिवलीतून आपण अटक केलेली आहे। सदर गुन्ह्यामध्ये तांत्रिक विश्लेषणातून आमचे नौपाडा पोलीस स्टेशनची टीम आहे, सिनियर PI धुमाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली API गोसावी, PSI लबडे आणि त्यांचे संपूर्ण इतर अंमलदार यांच्या टीमने या आरोपींना अटक केलेली आहे। त्याच्यामध्ये सह आरोपी देखील आहेत, तसंच इतर घरफोडीचे 2 गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत। त्यातील आरोपीला सुनील कांबळे आहे, त्याला आपण जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील पहूर गावातून अटक केलेला आहे। त्याचा देखील एक सह आरोपी आहे, तो अद्यापर्यंत फरार आहे, त्याच्या अटकेसाठी प्रयत्न चालू आहे। त्याच्याकडून आपण 14,500 रुपये रोख रक्कम हस्तगत केलेली आहे। HR तेज खबरों में हमारी तीसरी खबर थाने के राबुड़ी पुलिस स्टेशन से है। राबुड़ी पुलिस स्टेशन द्वारा एक चोरी के अपराध की जांच की जा रही थी। गुप्त सूचना के अनुसार राबुड़ी में ही रहने वाले रफीक महबूब शेख उर्फ रफीक बाटला को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ रमेश कुमार को और अंजुम इब्राहिम शेख, ये दोनों भी जो है राबोड़ी और कैशल मिल थाने
इसी परिसर के रहने वाले हैं। इनसे चोरी का ये पूरा मामला पुलिस द्वारा पूछताछ किया जा रहा था कि इन तीनों ने कुछ अरसा पहले यानी 2022 की शुरुआत में राबुड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक व्यापारी पर फायरिंग की थी। इस अपराध का भी उन्होंने जो है स्वीकार किया। पुलिस का इस मामले में जो है चोरी का एक मामला उजागर हुआ, वहीं दूसरा ये हत्या के प्रयास का और उसके जरिए एक व्यापारी को लूटने का जो मामला था वो भी उजागर हुआ है। इस संबंध में भी पत्रकार परिषद दी गई, पुलिस उपायुक्त गणेश गावड़े ने क्या जानकारी दी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 22 रोजी पुलिस स्टेशन राबुड़ी या ठिकाणी घरफोडीचा गुन्हा दाखल झालेला होता। त्या घरफोडीचा गुन्ह्याचा तपास करताना राबुड़ी पुलिस स्टेशनचे हेड कॉन्स्टेबल दयानंद नाईक यांना संशयित आरोपींबद्दल माहिती मिळाली। त्या संशयित आरोपींना चेक करण्यासाठी आरोपी रफीक मेहबूब शेख उर्फ रफीक बाटला आणि आरोपी रमेश कुमार राम यांच्याकडे चौकशी केली। चौकशी दरम्यान त्यांच्या घराची घरजडती घेतली असता त्यांच्या घरामध्ये 2 पिस्टल आणि 2 राऊंड्स संशयितरित्या मिळाले। या तपासादरम्यान ही बाब लक्षात आली की याच प्रकारचा जे राऊंड मिळालेला होता त्याच प्रकारचा राऊंड 1 वर्षापूर्वी म्हणजे 5 फेब्रुवारी 2022 रोजी पोलीस स्टेशन राबोडी या ठिकाणी 307 आणि 325 आर्म्स ॲक्ट याच्यानुसारचा गुन्हा दाखल होता। त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचा राऊंड मिळाला म्हणून त्या आरोपींना त्या जुन्या 307 अटेम्प्ट टू मर्डरच्या गुन्ह्याच्या अनुषंगानं विचारपूस केली। त्या विचारपूसमध्ये आरोपींनी कबुली दिली की मागचा गुन्हाही त्यांनी केलेला आहे। मग त्या अनुषंगाने आपण गुन्हा दाखल केला, त्या गुन्ह्याची हकीकत माहिती करून घेतली असता आरोपींनी कबुली दिली की यातील आरोपी रमेश कुमार राम हा बाईक चालवत होता। पाठीमागे बसलेला आरोपी रफीक मेहबूब शेख उर्फ रफीक बाटला यांच्याकडे पिस्टल होतं, यांनी आरोपीवरती फायरिंग केली आणि ते पळून गेलं। तसंच हा पूर्ण कट रचून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता। यातील जे जखमी आहे 307 ज्यांच्यावरती फायरिंग झालेलं होतं, नाव चेतन ठक्कर, हे चेतन ठक्कर यांच्यावरती फायरिंग करणारे आरोपी त्यांची पूर्ण मुवमेंट सांगण्यासाठी तिसरा आरोपी अंजुम शेख यांनी यांना टीप दिलेली होती, माहिती दिलेली होती। त्या तिघांनी कट रचून तो पूर्वीचा अटेम्प्ट टू मर्डरचा गुन्हा दाखल केलेला होता। तो गुन्हा घडण्यामागचा उद्देश त्यातील फिर्यादीचा मुलगा हे त्यांच्या किराणा मालाच्या दुकानातून कॅश घेऊन चाललेले होते, कॅश लुबाडण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्यावर फायरिंग करण्यात आलेलं होतं। मात्र फायरिंग झाल्यानंतरही जखमी त्या ठिकाणी थांबले नाही आणि तसेच घरी त्यांच्या बाईकवरती गेले, त्याच्यामुळे ते प्रॉपर्टी लुबाडण्याचा उद्देश त्यांचा सफल झालेला नव्हता। या गुन्ह्यामध्ये आम्ही ते वेपन जप्त केलेले आहेत, त्याच्यासोबत राऊंड जप्त केलेले आहेत। घरफोडीचा गुन्हा करताना जे कॅश चोरीला गेलेली होती ते कॅश आणि तसेच 2 बांगड्या सोन्याच्या जप्त केलेल्या आहेत। गुन्हा करताना वापरलेली होंडा सिटी कार ही देखील जप्त केलेली आहे। त्या कारमध्ये घरफोडीच्या वेळी वापरण्यात आलेली कटावणी ते हत्यारही जप्त करण्यात आलेलं आहे। गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार कलम वाढ करण्यासाठीची आम्ही प्रपोजल्स तयार करत आहोत। सर, या आरोपींच्या मागवरती अगोदर काही गुन्हे दाखल? बरोबर, आरोपींवरती ठाणे शहरात यापूर्वीही गुन्हे दाखल आहेत।